हाँ जी बेटा, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। यस दिव्यांशी बेटा, मैम, जो कल आपने एक लास्ट में क्वेश्चन दिया था ना, एक बार वो भी करवा देना। ओके बेटा करवा देती हूँ। आप पहले ये कर लें खत्म, ठीक है, फिर हम वो करते हैं। लेट अस डू दिस। पहला स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। हमने ये जो दो ही इनक्वालिटीज हैं, ये तो नॉन नेगेटिव है ना, इनका डायग्राम ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली, जैसे आप इनक्वालिटीज में करते थे। लेट अस डू, तो उसके लिए एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एट। मैंने ये टेबल बनाया, एक्स वाई, एक्स जीरो पुट किया, वाई फोर आया, वाई जीरो पुट किया, एक्स एट आया, और इनइक्वालिटी जीरो जीरो चेक कर रही हूँ, जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल्स टू एट, ठीक है, जीरो लेस देन इक्वल्स टू एट। मेरे पास ट्रू शेड टू वर्ड्स जो है जीरो जीरो। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड वाला बना। मेरे पास जो है थ्री एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 12। एक्स वाई, एक्स जीरो जो है वाई सिक्स, वाई जीरो एक्स फोर। ओके, चाहे यहाँ पहले इक्वल टू लिख लिया करो, फिर जीरो जीरो चेक करते हैं, जीरो प्लस जीरो। ये सारा काम आप करते थे इनइक्वालिटी में। ट्रू है तो शेड टू वर्ड्स ओरिजिन। ओके, मैंने एरो डाल दिया ऐसे कि शेड टू वर्ड्स ओरिजिन, आपने प्रॉपर लिखना, ठीक है। अब ड्रॉ करें ग्राफिकली, लेट अस ड्रॉ, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपके पास एग्जैक्ट आएगी बेटा, नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। मैंने ये ड्रॉ कर लिया, एक्स वाई मेरे पास जीरो। ओके, हाँ जी, देखिए तो मैक्सिमम एट है, तो वन 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 का डिस्टेंस लेंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, और जीरो फोर, पहला जीरो फोर, जीरो फोर पहला पॉइंट, देन एट जीरो। हाँ जी, ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर इस इक्वेशन को ना इनइक्वालिटी वन टू, मैं इसको ऐसे वन नाम दे दूंगी क्योंकि पता चल रहा है। अब मुझे पता है शेड टू वर्ड्स द ओरिजिन, मतलब नीचे को शेड करना, ठीक है। अगला जीरो सिक्स फोर जीरो, ये लीजिए, ठीक है, ये सेकंड लाइन है ना, शेड ऐसे, ये कॉमन एरिया। जरा आप अपने ग्राफ पेपर में चेक कीजिए, ये 2.3 आ रहा है, चेक कीजिए जिन्होंने बनाया है, चेक इट। अर्शदीप सिंह, यस मैम, चलो 2.3 आप चेक कर लेना प्लीज बेटा, सारे बच्चे चेक कर लेना। ओके, जतिन जपन जोत कह रहे हैं कि मैम यही आ रहा है, क्योंकि कई बार ये हो सकता है ना कि मैंने तो एक रफ आइडिया से लिया, ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट आता। ओके समृद्धि, अब मुझे ये कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, लेबल देम ए बी सी। इतना काम आप इनइक्वालिटी में करते थे, सारे बच्चे करते थे। अब इससे अगला काम है, ठीक है, इससे अगला काम है जो हमने इसमें करना है, एलपीपी में करना है। क्या किया था हमने, एक टेबल बनाया था। ओके, लेट अस ड्रॉ द टेबल। उसके लिए टेबल ड्रॉ करने पे सबसे पहले हमने सीरियल नंबर, पॉइंट, जेड और नेचर। ओके, तो कितने पॉइंट्स है कॉर्नर पॉइंट, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर,
जीरो जीरो, ठीक है, फिर फोर जीरो, टू थ्री और जीरो कॉमा फोर, ठीक है। अब जेड मेरे पास हो गया माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई, जब जीरो जीरो पुट करूंगी, जीरो प्लस जीरो जीरो, फोर माइनस ट्वेल्व, टू पुट किया माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व कितना है सिक्स, और जीरो फोर सिक्सटीन। मुझे क्या ढूंढना था, मिनिमाइज करना है, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है दिस वन, ऐसे लिखना बस। ओके तो अब क्या लिखेंगे, z इज मिनिमम एट पॉइंट फोर कॉमा जीरो एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज माइनस ट्वेल्व। जल्दी जल्दी बेटा सारे कीजिए, बी फास्ट, इफ यू हैव डन यू कैन शो इट मी ऑन योर स्क्रीन, वीडियो ऑन करके अपना ग्राफ दिखाइए, मुझे पता चले आपने बनाया। अर्शदीप ने कहा कि मैम मैंने बना लिया, अर्शदीप दिखाइए मुझे वीडियो ऑन करके, मैं पिन करूंगी सो दैट आई कैन चेक इट। रिद्धि समृद्धि जिन्होंने भी बनाया जल्दी जल्दी, चलो काव्या का ग्राफ पिन करते हैं, लेट अस सी। यस बिल्कुल करेक्ट, चलिए समृद्धि का भी देखते हैं, एड पिन, ओके गुड, यस काव्या सीन, बाकी बच्चे बाकी 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 और किसी ने क्या किया, अर्शदीप शो मी, चलो जपन ज्योत का देखते हैं, जपन ज्योत का ओके ओके। अब इसमें मैंने क्या देखूं कि एक तो बेटा स्केल सबने ऊपर जरूर लिखना है, ओके स्केल, ओके समृद्धि सीन बेटा, ठीक है, एक तो ऊपर ग्राफ के ऊपर स्केल, एक एक्स वाई एक्सिस जरूर लिखना है, दूसरा यहां पर लिखोगे शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन, ये जरूर लिखो, ओके शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन और रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है बेटा, सबको बात समझ आ गई, इजी है ना, एलपीपी से कोई इतना मुश्किल नहीं है मुझे लगता है, ओके अभी तक जो मैंने बताया आपको क्या बताया, बाउंडेड वाला बताया है ना, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था बाउंडेड वाला, कौन सा दिया था दिव्यांशी प्लीज, जो आपको प्रॉब्लम आई है, दिव्यांशी रीड द स्टेटमेंट बेटा, दिव्यांशी अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड द स्टेटमेंट। यस मैम, कौन सा क्वेश्चन दिया था बेटा, मैम 3x प्लस 4y, ओके ये कैसे आया दोनों, ओके बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा मैं बता देता हूँ, वेट चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लेते हैं जो कल हमने दिया था, मेरे पास तो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया था मैक्सिमाइज जो है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y और सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स जो है x प्लस y लेस देन इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही वाला क्वेश्चन था ना दिव्यांशी, ओके चलिए तो लेट अस स्टार्ट, इनइक्वालिटी का पहले ग्राफ बनाए, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू फोर, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ, मेरे पास लो है एक्स वाई, एक्स जीरो वाई फोर वाई जीरो एक्स फोर, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पर, मेरे पास तो है What we have to do? Graph बनाए, अब मैं roughly बनाऊंगी,
जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके, और इधर वन टू थ्री फोर फाइव, ये सिक्स, जीरो फोर, जीरो फोर, लीजिए। ओनली वन ही बननी थी और शेड नीचे को बनना था, लीजिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी दिव्यांग जी। अब थ्री मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, चेक करें टेबल बनाए इस पे, इसका तो और कुछ बनना ही नहीं था। तो मेरे पास सीरियल नंबर, पॉइंट, देन जेड, देन नेचर। जेड इज थ्री एक्स प्लस फोर वाई, सीरियल नंबर वन टू थ्री, जीरो जीरो फोर, जीरो जीरो फोर। ये सीक्वेंस किसी का कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर, ओके, दिस सीक्वेंस कैन बी एनी, डजंट मैटर। चलिए जीरो पे जीरो, जीरो ही आएगा, ट्वेल्व सिक्सटीन मैक्सिमम एट जीरो कॉमा फोर, बस काम खत्म। ओके दिव्यांशी बेटा, एनी प्रॉब्लम दिव्यांशी? चल अब मैंने आपको बाउंडेड वाले करा दिए सारे ना, अब मैं अनबाउंडेड का बताने लगी। अनबाउंडेड का मतलब ग्राफ कैसे कैसे हो सकता है, लेट अस डू दैट, ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज में मिक्स करेंगे तभी आपको पता चले। अब जरा बेटा ध्यान से समझना, लेट अस रीड इट केयरफुली। अब अनबाउंडेड अगर ग्राफ, अब अनबाउंडेड का मतलब जैसे ये लीजिए, मैंने ये बनाया, ये बनाया और ये वाला शेडेड हो गया, ये अनबाउंडेड हो गया ना, अनबाउंडेड। तब क्या करना है, हमने सारा सम वैसे ही करना है, टेबल तक वैसे ही बनाना है, टेबल तक हमने वैसे ही बनाना है, बट उसके बाद हमने क्या करना है, एक स्टेप, वन मोर स्टेप वी हैव टू डू आफ्टर द टेबल। अनबाउंडेड में जो हमने वैल्यू चूज करनी है ना, मिनिमम वैल्यू अनबाउंडेड में होती है, जो हमने सिलेक्ट की हमने उसको वेरीफाई जरूर करना होता है, हमने उसको वेरीफाई जरूर करना होता है कि वाकई जो सिलेक्ट की गई है वो मिनिमम है कि नहीं है। वो कैसे करना होता है वो अब मैं बताने लगू, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आई विल टेल यू, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आई विल टेल यू। राइट डाउन द क्वेश्चन, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू जो है ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी प्लस फिफ्टी एक्स प्लस ट्वेंटी वाई, ओके, सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट्स मेरे पास जो है दैट इज टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस फाइव, 3x plus y greater than equal to 5, 2x minus 3y less than equals to 12, and x greater than equal to y greater than equal to 0, y greater than equal to 0। अब मैं अनबाउंडेड का बताने लगी हूं कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले तो हम बनाए जो इनइक्वालिटीज, जो कॉन्स्ट्रेंट्स, वन टू थ्री, इनका ग्राफ बना, ठीक है। अब मैं ग्राफ बना, टेबल पहले बनाए, पहले टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, तो मेरे पास क्या होगा, एक्स वाई, एक्स इज जीरो, यहां मैं इक्वल टू ले लेती हूं ताकि आपको इजिली फाइव वाई आ गया, वाई इज जीरो,
तो ये माइनस 2.5 आ गया। ओके नेक्स्ट 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, जो 3 वाला होता है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके लिए थोड़ा देख। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू चेक हियर, अब मैं वैल्यूज पुट करूंगी एक बार। एक्स वाई, एक्स जीरो ले लो वाई 5 आ जाएगा, लेकिन जब आप वाई जीरो करोगे ना तो 5 को 3 से डिवाइड करना, वो डिवाइड होता ही जाएगा, तो मतलब अब मैंने पता क्या सोचा, मेरे को 3 चाहिए तो मैं वाई 2 ले लूंगी, उधर जाके माइनस होगा तो एक्स 1 आ जाए। ये स्मार्टली हैंडल करना है आप। ओके नेक्स्ट लास्ट मेरे पास जो है लाइन लिखे 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, तो मैं क्या करूंगी यहां पर, टेबल बनाते हैं एक्स वाई, एक्स जीरो वाई माइनस 4, वाई जीरो और एक्स कितना आ गया 6। ये नहीं घबराना मैम नेगेटिव आ गया, आपने तो बोला था आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पॉइंट्स जो उनसे मर्जी क्वाड्रेंट में आते हैं, हमें क्यों लेना, हमने तो लाइन ही ड्रॉ करनी है। अच्छा अब ओरिजिन का भी चेक करें, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, इसके लिए ट्रू है, जहां ट्रू होगा ना मैं यस मतलब शेड टू वर्ड्स ओरिजिन करना है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नो, यहाँ फॉल्स है। 0 लेस देन इक्वल टू 12 मेरे पास जो है वो ट्रू है। ओके चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है तो ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूं मैं, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ, क्योंकि मुझे नेगेटिव पे जाना पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा इधर बना लेती हूँ ताकि एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ओके लेट मी शो यू, वेट वेट क्लियर मैडम, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, ओके जी, -1 -2 -3। अब 0 5 0 5 पहला पॉइंट, ठीक है जी, -2.50 -2.5 ये लाइन आ गई, इसको ड्रॉ करें। अब हम लोग लेट अस ड्रॉ दिस लाइन, ओके पहला हो गया, और ओरिजिन की तरफ शेड होना मतलब इस तरफ, हो गया। सेकंड 0 5 पॉइंट है मेरे पास, 1 2 1 2 और 0 5 लीजिए, सेकेंड लाइन, और ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होना, बाहर की तरफ होना, ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड 0 -4 -4 इधर नीचे आएगा, और 6 0 6 0 ये लाइन ऐसे आएगी, शेड ओरिजिन की तरफ यानी इस तरफ, तो ये सारा, तो कॉमन रीजन कौन सा हुआ। ठीक है अब मैं कॉमन रीजन ना पर्पल चौक से जरा डार्कन कर देती हूं,
यही आया ना, सबका यही आया। ये अनबाउंडेड है, ऊपर से खुला है क्या नहीं? इसके कॉर्नर पॉइंट्स वैसे ही निकालने, 1, 2, 3, 3 है ना, और तो कोई है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए, आई एम रबिंग इट, आई डोंट नीड एनीथिंग। मैं तीनों पॉइंट्स लिख देती हूँ। 1 पॉइंट ये था 0.5, ओके। नेक्स्ट दिस पॉइंट मेरे पास जो है 2.0 एंड देन 6.0, ओके। अब क्या करेंगे? यहां पर मेरे पास जो है व्हाट वी विल डू, जेड में पुट करके देखें, ठीक है। जब मैं जेड में पुट करूंगी तो ये हो जाएगा बेटा 100, ये -100, ये -300। दिस इज द मिनिमम। अब जो मैंने सिलेक्ट की है इसको चेक करना है कि वाकई ये मिनिमम है कि नहीं है। वन मोर स्टेप वी हैव टू डू इन अनबाउंडेड कॉन्सेप्ट, वो कैसे करना है वो भी ग्राफिकली। ध्यान से सुनना बेटा, इसको मैं रब कर रही हूं, आई एम रबिंग इट। देखना बेटा ध्यान से, मेरे पास जो है, जो आपके पास वैल्यू आई है ना, आप मान लीजिए कि जेड जो है ना वो इससे कम है। जो जेड लिया वो मिनिमम वैल्यू से वो लेस है देन इक्वल टू। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो। कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं? आप ऊपर लिखोगे चेकिंग, हेडिंग दे दोगे चेकिंग, एक्स वाई। मेरे पास जो ग्राफ बनेगा -0, 0 सब में कट जाना है, एक्स प्लस 2y इक्वल टू -30, ठीक है। एक्स जीरो, जब एक्स जीरो पुट किया -15, वाई जीरो पुट करो तो एक्स की वैल्यू 15, ठीक है। अब मैं ये ग्राफ इसी पे बनाना है बेटा, इसी पे मैं बार बार कह रही हूँ, सेम ग्राफ पे बनाना है। जब मैंने अब और इसको डॉटेड बनाना है, 0, -15 मेरे पास हो, अब -15 तो मेरे पास बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं एक रफ सा आपको मतलब बना के दिखा सकती हूँ, ठीक है। और दूसरा मेरे पास है 15, 0, अब 15 मेरे पास जो है वो इधर कहीं आएगा, जो 15 ये 10 है, 11, 12, 13 यहाँ कहीं आएगा ऐसे, ठीक है। और -15 मेरे पास जो है वो यहां पर कहीं आएगा। ये ग्राफ ना ऐसे एक रफ सा मैं बना के दिखाती हूं, ये लीजिए ऐसे लाइन आ रही है, ओके। ये लाइन ऐसे यहां से पास होगी और नीचे कहीं जाएगी। यस चपन जोत, यस बेटा, यस बेटा। मैम 15 तो एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा। मैंने, हाँ जी मैंने 15 मैम 15 यस 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 सॉरी 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 15 एक्स एक्सिस पे, तो ये मेरी अब लाइन यहाँ ड्रॉ, मैं कोई और ही ले लेती हूँ जिससे आपका इजीली वो पॉइंट आ जाए, आपको जो है वो पता चल जाए, ओके। एक्चुअली जब ये लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, जो ये लाइन ड्रॉ होगी ये 100% इस शेडेड एरिया के बीच में पास हो रही है। मुझे हम दोबारा ही कोई और पॉइंट्स ले लेते हैं। वेट, मेरे पास ये था, तो लेट अस ड्रॉ -50x + 20y। एक मिनट, 0, 0 कट गया, ठीक है जी, ये आया। हम कोई ऐसे पॉइंट ले लेते हैं जो मेरे से ड्रॉ हो जाए यहाँ पर, आपको मैंने 15 गलत ड्रॉ कर दिया था, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक्स हम अगर 0 लेते हैं तो मेरे पास ये -15, वाई -15 मेरे पास नहीं ड्रॉ होगी। हम पहले वाई 0 लेते हैं तो ये 15, एक पॉइंट मेरे पास आ गया 15.0। और दूसरा पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं तो मेरे पास जो है, कोई ऐसा ले लो जो आए मेरे पास इजीली। मैं एक्स मान लीजिए, इफ आई टेक 2,
ओके एक्स में टू लेती हूँ, एक्स मैंने टू लिया तो ये माइनस टेन उधर जाके प्लस हो गया और ये बना माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी को टू से डिवाइड किया माइनस टेन, वो भी नहीं मेरे पास वहां विजिबल है, तो वी कैन ड्रॉ वन मोर, कोई बड़ा क्वांटिटी ले लेते हैं, थ्री आई कैन टेक, ठीक है, फिफ्टीन और 7.5 मेरे पास हो जाएगा, या फोर ले लो, फोर ले लो, जब आप फोर लोगे एक्स फोर तो ये माइनस ट्वेंटी उधर जाके प्लस ट्वेंटी हो जाएगा और प्लस ट्वेंटी और माइनस टेन तो ये माइनस फाइव, ये बना ओके okay? आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। अब 15 यहां कहीं होएगा 15.0 और 4 माइनस फाइव, 4 और माइनस फाइव यहां पर कहीं पे पॉइंट आएगा मेरे पास और इनको ड्रॉ करके लीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे ले लिया, ये लीजिए, ये लीजिए, ये शेडेड रीजन है, ओके ऐसी बन रही है अब सबकी लाइन, मैंने रफली ड्रॉ कर दी थी जस्ट देख के, सबकी ऐसी बन रही है, ठीक है। अब अनबाउंडेड में ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि जो लाइन ड्रॉ की ना वो कहाँ कहाँ आ सकती है, मैं वो बता रही हूं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी नेचर चेंज हो जाती है सोल्यूशन। एक जो शेडी रीजन लिया उसके बाहर पहला, दूसरा उसके अंदर भी तो आ सकती है, आ सकती है ना, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। थर्ड वन, जो ये बाउंड्री है इसके ऊपर भी तो लाइन आ सकती है, ये जो ड्रॉ कर रहे हैं, यानी डिपेंडिंग अपॉन कि लाइन कैसे कैसे आ सकती है उस पे हमारा आंसर जो है वो चेक होगा। आप अब पहले नोट लिखिए फिर इसका मैं आपको समझाऊंगी, राइट। लाइन ड्रॉन जो है कम्स आउटसाइड द शेडेड रीजन, जैसे अभी आई आउटसाइड द शेडेड रीजन, बिल्कुल शेडेड रीजन के अंदर आई ना, सिलेक्टेड वैल्यू इज करेक्ट, सिलेक्टेड वैल्यू इज करेक्टेड वन, करेक्ट वन, करेक्टेड नहीं, करेक्ट वन, ये पहले का आंसर, ओके। सेकंड, लाइन ड्रॉन कम्स इनसाइड द शेडेड रीजन सिलेक्टेड वैल्यू इज नॉट करेक्ट वन, क्योंकि वो तो विजिबल रीजन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, उससे और मिनिमम मिल रही है, तो इसका मतलब जो सिलेक्ट वैल्यू की है वो करेक्ट नहीं है। सिलेक्टेड वैल्यू, जैसे ये लाइन अगर मैंने जैसे यहां मेरी आ गई थी, गलती से ड्रॉ कर दी थी हमने ना, तो वो करेक्ट नहीं होगा कि जो मैंने सिलेक्ट की जो -300 वो मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, बस काम खत्म वहां पर, मतलब चेकिंग हो गई जो सिलेक्ट की है वो करेक्ट है कि नहीं, ओके। सिलेक्टेड वैल्यू इज नॉट करेक्ट, ओके। फिर थर्ड लिखी, इफ द लाइन ड्रॉन कम्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन, इफ द लाइन ड्रॉन कम्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल सोल्यूशन, अगर वो बाउंड्री पे आ रही है तो तब आपने क्या लिखना है, देयर आर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, देयर आर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स
अब वो आपने जो लाइन ड्रॉ की होगी, मान लो आपने इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स जहां ए टू बी। अब मान लो किसी की किसी क्वेश्चन में वो ये वाली लाइन आ जाए, तो आप क्या कहोगे, इसको जो भी नेम दिया होगा ए टू सी। किसी क्वेश्चन में यहां पर भी कोई लाइन होता तो इसको ई एफ दिया होता, ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ई एफ। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, मतलब उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जितने इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इसमें आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे उसका आंसर। सिर्फ तब लास्ट में यही वर्डिंग लिखनी होती। अब जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना मंडे को, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कैसे लिखा। अभी तो मैंने आपको बताया कि जो Z ड्रॉ किया वो कहाँ कहाँ आ सकता है, बाहर आ सकता है, अंदर आ सकता है, बाउंड्री पे आ सकता है। एक और केस है एक ही पॉइंट पे पास, सिर्फ ऐसे ऐसे, ये तो ओनली वन सोल्यूशन, ये जो कॉमन सोल्यूशन यही आंसर होगा, बाउंड्री पे है ना, करेक्ट है। इन चारों के चारों केसेस के हम वी विल डू टुमारो और मंडे वी विल डू द क्वेश्चंस। ओके ठीक है बेटा, सबको बात समझ आ गई, ठीक है, चलो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।